तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आप किसी भी एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में अगर डाटा MB ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो अब इजीली कर सकते हैं। क्या होता था कि पहले हमें जो कि हमारी जितनी भी डाटा बचती थी और जितनी भी डाटा रह जाती थी, अगर हम चाहते थे कि एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में यानी एक सिम कार्ड से दूसरे सिम कार्ड में अपना डाटा या अथी को ट्रांसफ़र कर दे, तो हम ट्रांसफ़र नहीं कर पाते थे। हमारे पास एक ही सुविधा था कि हम हॉटस्पॉट से किसी को वाईफाई के जरिए हम दे सकते थे। बट हमारा क्या होता था कि अगर हमारा मोबाइल बंद हो गया है या बंद होने वाला है, अगर हम चाहते थे कि हम अपना मोबाइल को यानी हम अपने नंबर अपने डाटा या MB को ट्रांसफ़र कर दे एक नंबर से दूसरे नंबर पर, बट हम नहीं कर पाते थे। बट अब सुविधा आ चुका है, अगर आप चाहते हैं कि किसी भी मोबाइल में अपना डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए, तो आप इजी कर सकते हैं। जितना ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उतना ही आप जो कि एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में भेज सकते हैं। मैं ये भी बता दूं कि कुछ ऐसे पहले क्या होते थे कि कुछ में नहीं देते थे, कुछ अभी भी है कि कुछ सिम कार्ड में दिए हैं, कुछ कंपनियां में दिया गया है कि आप एक सिम कार्ड से दूसरे सिम कार्ड में जो कि डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कुछ में नहीं दिया है। तो जो भी सिम कार्ड है, तो बहुत सारे कुछ हैं जो कि जैसे एयरटेल हो गया, जियो हो गया, BSNL हो गया, बस इतना ही। उसके बाद आइडिया, वोडाफोन और ये सब कुछ सिमें हैं जो कि अभी तक ये नहीं दिया है कि आप एक सिम में से दूसरे सिम कार्ड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये सुविधा अभी बस तीन ही सिम कार्ड में, तीन ही कंपनियों में जो कि चालू हुआ है, लागू हुआ है, और एक सिम कार्ड से दूसरे सिम कार्ड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये भी बता दूं कि जियो का सिम है तो जियो में ही आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एयरटेल है तो एयरटेल ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बाकी अदर आप किसी में नहीं कर सकते हैं। आप चाहेंगे कि आपका जियो है तो एयरटेल में कर दे, एयरटेल है तो BSNL में कर दे, BSNL है तो आपको जियो में कर दे, तो ऐसा कुछ नहीं है। जिसमें आप जो भी कंपनियां हैं उसी कंपनी में, उसी सिम कार्ड में आप जो कि ट्रांसफ़र कर पाइएगा। तो ये तो आप जान गए। तो चलिए, कैसे आप जो कि डाटा को ट्रांसफ़र करिएगा। ट्रांसफ़र करने के लिए पहले नंबर तो आपको ब्राउज़र खोल देना होगा और इस पर आ जाना होगा। उसके बाद आपको यहाँ मोबाइल नंबर अपना डाल देना होगा। जैसे हम यहाँ मोबाइल नंबर डाल देते हैं 76440। उसके बाद हमने डाल दिया। डालने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए ऑटोमेटिक उठा लिया, देखिए प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज, ठीक है। ये यहाँ आप डालते हैं तो चेक करता है कि आपका कितने डाटा और कितने MB वाला आपका रिचार्ज हुआ है, कितना अभी MB बचा हुआ है। वो यहाँ अभी रिफ्रेश ले रहा है, तो जब तक आप रिफ्रेश ले रहे हैं तब तक हम वेट कर लेंगे ताकि ये पता कर सके कि हाँ हमारी कितनी अभी तक डाटा है। तो देखिए कह रहा है रिचार्ज पैक, यानी हमारा देखिए चार्ज बिहार झारखंड इस तरह से आपको बता देता है। और यहाँ आते हैं तो कुछ देर हमें वेट कर लेना होगा, जब तक ये अभी भी प्रॉपर तरह से ओपन नहीं हुआ है। ओपन होने तक हम वेट करेंगे ताकि ये ओपन हो जाए। ये जब तक ओपन नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं करेंगे, हम फिर से डाल देते हैं। उसके बाद हम यहाँ से डाल दिए, डालने के बाद हम ये ओपन नहीं हो पा रहा है। उसके बाद यहाँ ना ओपन होने के बाद अब हम क्या करेंगे, चलेंगे हम अपने फ़ोन डायलर में। दूसरे तरीका से हम आपको बताएंगे कि कैसे। देखिए यहाँ 649 500 MB डेटा डे, ठीक है, इस तरह से आपको मिल जाती है। तो चलिए हम चलते हैं पहले नंबर की, अब पहले नंबर हम चलते हैं अपने फ़ोन डायलर में। चलिए चलते हैं फ़ोन डायलर में, आते ही हम यहाँ से एक कोड सर्च करेंगे, उस कोड के माध्यम से हम अपना ट्रांसफ़र करेंगे। तो 17171 उसके बाद स्टार, फिर उसके बाद हम कितना MB यहाँ से डाटा हम अपना ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। जैसे हम 500 MB, तो हम यहाँ 500 लिख देंगे, उसके बाद हच लिख देंगे, सॉरी स्टार लिख देंगे। उसके बाद एक और कोड आपको लगाना है 131, उसके बाद आपको स्टार और आपको मोबाइल नंबर डाल देना है जिस पर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। उसके बाद अब आपको क्या करना होगा, हच कर देना होगा। हच के बाद आपको फिर यहाँ सर्च पर क्लिक कर देना, यानी कॉलिंग पर क्लिक कर देना होगा। कॉलिंग पर जिसे क्लिक करने के बाद आपका ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से क्लिक कर देते हैं। तो हमने यहाँ से जो कि डायरेक्टली हमने अपना डाटा ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र करने के बाद अब आपको ओके पर क्लिक कर देना होगा। ओके पर क्लिक करने के बाद अब आपको कम से कम मैक्सिमम आपको दो से चार घंटा आपको वेट करना होगा। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर
ओटीपी चला जाएगा और वहाँ से सॉरी ओटीपी चला जाएगा मतलब आपकी डाटा जो कि ट्रांसफ़र हो जाएगी और उस पर मैसेज आ जाएगा आपके नंबर पर कि आपका डाटा इतना ट्रांसफ़र कर दिया गया और उस पर मैसेज आएगा कि आपका डाटा प्राप्त हुआ। तो इस तरह से आप जो कि अपने डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हमने पूरा वीडियो को क्लियर बताया कि कैसे आप डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं यानी MB को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो पसंद है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।